राजस्थान में सभी जिलों की मंडियों में गेहूं की खरीद के लिए सरकारी खरीद केंद्र खोले जा रहे हैं। इन सरकारी खरीद केंद्रों पर किसानों का रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। इन खरीद केंद्रों पर जाकर ताजा जानकारी हासिल की मार्केट टाइम्स टीवी के संवाददाताओं ने। अलवर से मार्केट टाइम्स टीवी संवाददाता नितिन शर्मा की यह रिपोर्ट। अलवर के प्याज मंडी में सरकारी गेहूं खरीद केंद्र खोला गया है, लेकिन अभी तक यहां पर जो गेहूं की जो फसल है यहां पर नहीं पहुंची है। फिलहाल यहां पर अभी रजिस्ट्रेशन का कार्य चल रहा है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन का कार्य पूरा हो जाएगा उसके बाद में यहाँ गेहूं की जो फसल है पहुंचेगी और यहाँ पर 2400 रुपए क्विंटल के हिसाब से किसान को उसका पैसा मिलेगा। अब हमारे साथ में यहाँ पर जो गेहूं खरीद केंद्र पर जो बैठे हुए कर्मचारी, उनसे हम जानते हैं कि क्या कारण है, किस कारण से यहाँ किसान जो है गेहूं की फसल अभी तक क्यों नहीं लेके आ पा रहे, कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, क्या है पूरा। सर बताइए, क्या नाम है आपका? मैं जगदीश प्रसाद मुखेरिया, सहायक रजिस्ट्रार, आई एम जनरल मैनेजर अलवर क्रय विक्रय सहकारी समिति। सर यहाँ पर कितनी, ये सरकार की योजना है जो 22 फरवरी से रजिस्ट्रेशन, 20 जनवरी से रजिस्ट्रेशन गेहूँ के शुरू हो गए थे, 10 मार्च से ये खरीद केंद्र प्रारंभ कर दिया गया। अब स्टेट लेवल पे जो योजना है उसमें 2275 रुपये प्रति क्विंटल खरीद के साथ 125 रुपए बोनस, यानी कि कुल जो है 2400 रुपए कुंटल किसान को दिया जाएगा। और अभी फसल नहीं लाने का कारण यह है, जहाँ तक हम समझते हैं कि अपने यहाँ अलवर का जो क्लाइमेट है उसके अनुसार लगभग 1 अप्रैल के बाद गेहूँ आना प्रारंभ होता है, क्योंकि बीच में एक फसल और लेके किसान पछेती गेहूँ बोते हैं, तो वो अभी खेतों में खड़ा हुआ है और वो जैसे ही सूखेगा और उसके निकाला जाएगा गेहूँ, तो ये खरीद केंद्र पर आएगा। लेकिन किसानों ने अपनी जागरूकता के अनुसार वो रजिस्ट्रेशन करा लिया है और वो स्टेट लेवल पे जो कृषि विभाग है वो निर्धारित करता है कि प्रति हेक्टेयर कितना उत्पादन होगा, उसी हिसाब से वो किसानों से आवंटन करेगा कि एक किसान कितना लगभग जो है गेहूँ सरकारी खरीद केंद्र पर दे सकता है, तो उसी हिसाब से उसको लाभ प्राप्त होगा। जैसा कि इन्होंने हमको बताया कि यहाँ पर जो सरकारी गेहूँ खरीद केंद्र है यहाँ, ये 10 मार्च को खोल दिया गया था, लेकिन खोलने के बावजूद सिर्फ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुए लेकिन अभी तक किसान जो है यहाँ पर गेहूँ लेकर नहीं पहुंचा। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि अभी गेहूँ की जो फसल है वो तैयार हो रही है, उसके बाद में उसकी कटाई का कार्य होगा, फिर गेहूं निकलेगा और उसके बाद में जो किसान है वो गेहूं खरीद केंद्र पर अपना गेहूं लेकर पहुंचेगा। अलवर से नितिन शर्मा।